शेख उल कुरान मौलाना मोहम्मद तायर साहब पंजबीरी आलल्लाहु मकामहु वक्त के फख्र राजी कुरानी उलूम में यकता आलिम थे, मुझे बे इंतहा फैज हजरत से पहुंचा है। तो ये लड़का जो उनका है मेजर आमिर, जिनका मशहूर जमाना स्कैंडल रहा है, बड़ा बहादुर मुजाहिद माना जाता है, तो ये चाय ले आया दर्स के दौरान। रात में भी हजरत पढ़ाते थे, तालिबे इल्म तो हर चीज को देखते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। मौलाना समझ गए, मौलाना का ये मेरा बेटा है, इसका नाम आमिर है और ये फौज में है, तो उसकी जो दाढ़ी वाड़ी अब भी नहीं है। तो हजरत ने कहा ये माँ पर गया है, इसकी माँ की दाढ़ी नहीं है। तालिबे इल्म हंस पड़े, तो हजरत ने कहा तुम इंसाफ से कहो कि बेटा एक का होता है या दोनों का होता है। तो लोगों ने कहा हजरत दोनों का होता है। कहा बस जो बाप पर जाता है फिर वो बाप वाली सलाहियतें पैदा करता है, और जो मां पर जाता है जबरदस्त जवाब होता है। वो मेरी एक बच्ची है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है, शादीशुदा बच्चों की है। उसने एक दिन मुझे कहा जब छोटी थी, आपकी भी दाढ़ी है, मंसूर चाचा की भी है, मुजम्मिल चाचा सबकी है, मेरी नहीं है और मेरी अम्मी की नहीं है एक। मैंने कहा अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है। वही नहीं, आप अल्लाह को कहे कि मुझे और मेरी अम्मी को दाढ़ी दे। मैंने कहा अल्लाह ताला को ऐसा नहीं कह सकते। खैर बात खत्म हो गई। चंद दिन जब गुजरे तो अखबार लेके मेरे दफ्तर की तरफ दौड़ती हुई आ रही, दौड़ती हुई आ रही, अब्बू अब्बू देखो ये एक औरत है तो अल्लाह ने इसको दाढ़ी दी। वो कतर का बादशाह था अरब, तो वो इस तरह रूमाल डालते हैं ना, दाढ़ी बहर आई थी, रूमाल को उसने समझा कि यह दोपट्टा है, और वो दाढ़ी छोटी सी जो है वही औरत है, देखो सर पे बका है। मैंने कहा दुपट्टा नहीं यार, अभी बादशाह है और इसकी दाढ़ी है पूरी, लेकिन ये फैशन से मजबूर है, ये काट कूट के रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, दाढ़ी रखना वाजिब है अलग तहकी, और दाढ़ी का हुक्म आया है वाफुल्लुहा व कस्सु शवारे व मूंछे कम कर लो, मूंछों पर छुरा या ब्लेड न फेरो, कैंची से छोटे करो। कहते बिल्कुल साफ करना, सफन सफा ला तरा फी आए व जाऊं वाला अमता। अंदेशा है कि कहीं आगे चलकर नस्ल में ख्वाजा सरा पैदा ना हो जाए। कहते हैं कि मूंछे छोटे करना सुन्नत है। इमाम तहावी से कई गलती हो गई और उन्होंने हल्क का तस्करा किया है नब्बाले हिलनवर, और इमाम मालिक फरमाते थे कि मूंछे बिल्कुल साफ करना उराहो मुसलतन शक्ल बिगाड़ना है, और मुसला हराम ना जाएगा। हजरत शाह से भी फरमाते हैं कि मैं भी यही कहता हूं। इसी तरह हजरत अकदस फकी उल उम्मा महमूद उल मिल्लत वद्दी, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब चाहते थे कि अहले हक उलमा और तलबा के सर के बाल हो, और वो बिल्कुल मूंढने पर बहुत ज्यादा खफा होते थे। हजरत की राय थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल मूंढना सिवाय मनासिक के साबित नहीं है, हज या उम्र से फराग पर आपने सर के बाल मूंढे। और एक इन बलूचिस्तान के बहुत बड़े आलिम, जब नाम लेना ठीक नहीं, उनके मोतकदीर होते खफा होते, वो बात कर रहे थे, मुसा ने कहा बस पाराम के नमाज खबर का खुश दर्शन। वो बड़ा हैरान हुआ, मैं आपका शागिर्द हूं, मुझसे आपने क्या पढ़ा है, सर को ऐसा आलू और टमाटर बनाया हुआ है। मैंने ये कहा था, मैंने जिंदगी भर तुम्हें ये मशवरा दिया है कि बाल रखो सर के, सुन्नत बाल लिम्मा बिल्कुल छोटे, जुम्मा कान के लो तक, वफरा नीचे तक लटक कर। हमारे तालिबे इल्म जुल्फे उल्फे रखते हैं लेकिन पगड़ी नहीं बांधते, तो मैं उनसे कहता हूं यहूद की खसलत थी, अफतू मिनू न बेबाजिल किताब व तक फुरू न बेबाज, कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे। हजरत मुफ्ती साहब तो शायद जिंदगी भर टोपी में नहीं देखेंगे, मैंने नहीं देखा, हमेशा सर पे बड़ा रुमाल, फजल रहमानी रुमाल। हमारी यादाश्त है, पहले सुना है कि पगड़ी बाकायदा बांधते थे, मशदी लुंगी बांधते थे सर, वो मुझे याद नहीं। तो सर के बाद लिम्मा जुम्मा वफरा तीनों में से कोई एक भी रखो, और सर के बाल मूंढना अंदेशा है कि कहीं इन सुन्नतों की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। बाज मदरसों ने कानून बनाए तालिब के लिए दाखिले का कि सर मूंढ के आओ, तो मैं उनसे कहता हूं कि अपना दाखिला कानून भी मुसलमान कर दो, इसको कलमा पढ़ा दो, ये गैर इस्लामी कानून है।
एक बड़े इदारे में मैं बैठा हुआ था, मुझे कहते आप तो सुना है बाल मना करते, मैंने सख्ती से कहा क्यों, मैंने कहा मैं आले सुन्नत और खवारिज नहीं हूं। खवारिज की अलामत थी महलूकीन रूस हो। मुझसे पूछते हम क्या है, मैंने कहा आप बाद में खवारिज हो गए। मैं यहां 5 साल राबे से दो रेजीस तक पढ़ा हूं, मुझे असातिज़ा पीर बगाड़ा कहते थे, इतने इतने बाल थे, लेकिन कभी भी किसी उस्ताद ने मुझे नहीं कहा कि मुंडवा गया हो, तुम कौन होते हो लोग गलत पाबंद कर। मैं यही बुखारी की आखिरी हदीस जो आप पढ़ते हैं कलिमतान, इससे ऊपर देखो क्या लिखा है, इससे ऊपर हदीस में है कि क्यामत के करीब जो फितने आएंगे, एक फितना खवारिज का है, सीमा हो मत तहलीक ए तस्बीत, उनकी अलामत है कि वो बिल्कुल सर मुंडे हुए होंगे। जब सर मुंडने की आदत हो जाएगी तो दाढ़ी भी मुंड लेंगे। आखिरुल कलाम ये है कि वो थोड़े से अपने मजबूरी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि यही तो लबा जो पट्टे रखते हैं, ये सुन्नत पगड़ी तो नहीं बांधते। मेरे कहा आपसे कहा है पाबंद कर ले। कभी कहते हैं ये पट्टों के बहाने अंग्रेजी बाल रखते हैं, मैंने कहा अंग्रेजी और इस्लामी में फर्क आप और हम जानते हैं, जो इस्लामी बाल रखे वो तालिब है, जो नहीं रखता है अंग्रेजी रखते हैं वो बदमाश है, गुंडा है, मार भगाओ उसको। कौम के खर्चे पर गुंडों को पालना हराम ना जायज, और बाशों को पालना सीधी बात, मैंने कहा उसके हक में नहीं हूं।